प्रस्तुत है पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। लेखक मधु कांकरिया। लेखक परिचय। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, ये उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लालबत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। अब प्रस्तुत है पाठ साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौसैली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहां के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूं। चलिए तो, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे
कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया, यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओ के शोमैन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहां स्मारक के रूप में भी है, अर्थात लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी? लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी? रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को
अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी से मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूम अंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती
तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रों के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल गई थी कि अचानक पावों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं, गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी थी डोको अर्थात बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी फूलों वादियों और झरनों के बीच भूख मौत दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, वहीं पर खड़े बीआरओ अर्थात बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवरी वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, अर्थात आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे।
मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहां कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा, यहां जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने अर्थात सिक्किमी परिधान चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी।
सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों से घुंघरों की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहां मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहां बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुदगुद कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद
आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एक-एक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहां से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तुमरो माया सेंधई मलाई सता ऊंच, अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहां बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ यूमथांग और झांगो लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहां झांगो की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दना दन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को
अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी थी, यह हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादल की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। फिर भेटुला अर्थात फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियता और रोडोडेंड्रों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखेगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो।
यह रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिमशिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटते यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहां एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहां गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदों कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहां देवी देवताओं का निवास है। यहां जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम उनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहां सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हां, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन में कहती हूं। जीप आगे बढ़ने लगती है।